तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वारम फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सोशल फार्मेसी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल पे। और हमने पहले ही 5 वीडियो करा रखा है इस वाले चैनल पे, और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 6। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एनिमेट कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन दिया गया है स्टीम सेल्स, वेक्टर, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स। तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेक्टर। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको ऑप्शन दिया गया है पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस, इन्फेक्टिविटी या नन ऑफ डीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरुलेंस। अगले सवाल हमसे पूछा गया है, अ स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल डेट डिपेंड्स ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड। और आपको ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायरस। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक्टीरिमिया। अगला सवाल है, एन इन्फेक्शन ऑफ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। और आपको ऑप्शन दिया गया है क्रोनिक इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्यूट इन्फेक्शन। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, ग्रुप ऑफ अबंडेंटली फाउंड माइक्रोब्स डेट आर यूजुअली बेनिफिशियल। ऑप्शन है एल्गी, फंगी, मॉस या प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्गी। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हार्बर्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउट इज असाइम्पोमेटिक एंड मे स्प्रेड द डिजीज। तो और आपको ऑप्शन दिया गया होस्ट, कैरियर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरियर। नेक्स्ट है, एन इन्फेक्शन ऑफ स्लो प्रोग्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है लेटेंट इन्फेक्शन, बोथ ए एंड बी, क्रोनिक इन्फेक्शन या परसिस्टेंस इन्फेक्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोनिक इन्फेक्शन। अगला सवाल से पूछ रहा है कि अ माइक्रो ऑर्गेनिज्मेस्ट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक डिजीज। ऑप्शन दिया गया है इन्फेक्शियस एजेंट, वायरस, पैथोजेन या फंगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फेक्टियस एजेंट। नेक्स्ट है, एन इन्फेक्शन डेट रीचेज अ स्टेज वेयर द पेशेंट इज असिम्पटोमेटिक बट स्टिल हार्बर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, एन इन्फेक्शन कन्फाइंड विद इन एन एरिया। और आपको ऑप्शन दिया गया लोकल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या कैरियर स्टेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकल इन्फेक्शन। अगला सवाल से कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म डेट लिव्स विद इन अपॉन और एट द एक्सपेंस ऑफ अ होस्ट। ऑप्शन दिया गया पैरासाइट, पैथोजन, प्रोटोजोआ या हेल्मिनिथ्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरासाइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट डिजीज और इन्फेक्शन। ऑप्शन देगा सेकेंडरी डिजीज, प्राइमरी, टर्शियरी या नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी को ही फर्स्ट कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया, अनीमिया डिफिशियंसी ड्यू टू, मतलब बताना है किसके कारण से होता है अनीमिया। ऑप्शन दिया गया आयरन डिफिशियंसी, लीड डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी या जिंक डिफिशियंसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से ही अनीमिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेट आर ट्रांसमिटेड बाई वैक्टर। ऑप्शन दिया गया है रिक्टेसिया, डेंगू, लाइम डिजीज, रिकेट्स। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेली ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर दियर सोर्स ऑफ फूड। ऑप्शन दिया गया सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, डेट्रिटोर्स या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सेप्रोफाइट होते हैं वो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रिलाई करते हैं, मतलब उस पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है, अ सेकेंड इलनेस इनकाउंटर्ड ड्यू टू वीक रेसिस्टेंस फ्रॉम एन ओरिजिनल डिजीज। ऑप्शन दिया गया है
सेकेंडरी डिजीज, टर्शियरी डिजीज, प्राइमरी डिजीज या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेकेंडरी डिजीज। अगला सवाल है दोस्तों, इंडिविजुअल हु कैरी एंड शेड स्टेप फाइव कुलोकस एट अ हायर वॉल्यूम या रेट। ऑप्शन देगा शेडर, एक्यूजेट, होस्ट, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, शेडर। अगला सवाल हमें दिया गया है, इन्फेक्शन डेट अकर ड्यू टू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और डिस्टरप्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। तो बताना इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुपर इन्फेक्शन होता है, उसे सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रोसेस ऑफ पस इन्फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, जो पस का फॉर्मेशन का प्रोसेस, उसे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, सेपरेशन, पुरुलेंट, अब्सेस या एक्सुडेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेपरेशन। अगला सवाल है दोस्तों, एन इन्फेक्शन डेट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी। ऑप्शन दिया गया है कि लोकल इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, सेप्सिस या डायरिया। आपको उस इन्फेक्शन का नाम बताना, चारों में से कौन सा नाम सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, पॉइजन्स डेट आर रिलीज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन दिया गया है, टॉक्सिन्स, कैटलिस्ट, एंजाइम्स या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉक्सिन्स। अगला सवाल है, टेम्पररी फ्लोरा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है दोस्तों, विच स्पेसीज आर यूज फॉर सॉइल फर्टिलिटी। मतलब इनमें से दिया गया चारों में से कौन सा मतलब सही स्पेसीज है जिनका मतलब सॉइल फर्टिलिटी में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो मतलब तीनों ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द एबव, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है, नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट आर नॉर्मली फाउंड इन द एरिया। और आपको ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसियंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट या नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्हें हम कहते हैं रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेसिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। आपको विटामिन B12 का केमिकल नाम बताना है और आपको चार ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12 का केमिकल नाम होता है काइनोकोबालमिन, काइनोकोबालामिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9। B9 विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों। B9 को हम बोलते हैं फोलिक एसिड, विटामिन बी नाइन को फोलिक एसिड कहा जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं नियाचिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। जो विटामिन B5, उसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B5 को हम कहते हैं पेंटोथेनिक। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। तो विटामिन B7 का केमिकल नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोटिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।